बहुत जरूरी है। और दूसरा जो मुझे लगा है वो ये लगा कि आप सब साथियों और एक चार्ट तैयार नहीं कर रहे कि ये ज्वाइनिंग हुई अब इसके नीचे ये चल रहा है, तो फिर अपना पुराना उससे खुश हो जाते हैं पुराने तरीके से कि चलो ज्वाइनिंग हुई है। अब ये गुणात्मक केवल हम शब्द है, ये आपके माइंड में प्रवेश ही नहीं किया गया। मुझे समझ में आ रही बात, आप उसकी कोई प्रॉपर तैयारी, कोई चार्ट बनाना, आपको उसका जादू कैसे हो सकता है, वो आपको इतनी अभी जिज्ञासा प्यास ही नहीं, ये तो केवल यही बातें ही हो रही है हमारी। तो आज हम सब साथियों को इस गुणात्मक का जो रहस्य है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, रामलाल भैया ना परफेक्टली काम कर सकते हो, आप इसको थोड़ा समझो और इसका एक टीम बना के और प्रॉपरली गुणात्मक, मतलब गुणात्मक। आज अगर एक ज्वाइनिंग हो रही है और उनकी लिस्ट बन रही है 11, उस 11 में से जितने भी होते हैं उस पे काम होना ही होना चाहिए, और उसके बाद फिर आगे से आगे लिस्ट बनती है उस पे काम होना ही होना चाहिए। ये भी सभी साथी आज थोड़ा ध्यान से, ग्रोथ के लिए इससे बढ़िया फॉर्मूला कोई हो नहीं सकता। देखिए जीवन में अगर जीतना है ना, जीतना है तो हारे हुए जैसे मत सीखो यार, हारे हुए लोगों से मत सीखो। जीतना तो वैसा सीखो जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो, विशिष्ट सीखो, अच्छी बात सीखो। आपसे मैं इतनी बार पूछ रहा हूं, कितनी बार पूछा, आप प्रॉब्लम आप कोई नहीं बता पा रहे हो कि गुणात्मक ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या सामने आ रही है कि इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, इतनी चाहिए नहीं, जैसे मुझे क्या लग रहा है इतनी तो हमें जरूरत ही नहीं है, इतनी ग्रोथ नहीं चाहिए हमें, ऐसा एक तो ऐसा लगा। प्यास नहीं है, प्यास कि मुझे सबसे ऊपर जाना है। दूसरा लगा है कि हमारे अंदर एक वो बना नहीं रहे, हम चार्ट नहीं बना रहे, और जो सीनियर साथी वो फॉलोअप नहीं ले रहे। मान लो मेरी टीम में रामलाल भी है और आज इन्होंने बताया कि मैं आज चार साथियों को ज्वाइन कराया है, तो अब मैं इनसे वापस नहीं पूछ रहा हूं कि उनकी लिस्ट पे क्या काम हुआ, और फिर वापस परसों पूछूं कि फिर आगे क्या हुआ। मेरे पास भी वो कॉपी रहनी चाहिए और एक एक का पूछूं तो इनकी आदत में आएगा, कोई जवाब लेने वाला नहीं है, ये भी फ्री मैं भी फ्री, और उसमें कोई इनको कोई मदद चाहिए, कुछ बात चाहिए। ये गुणात्मक इतना जबरदस्त फंडा है, अब इसके लिए बात कैसे करनी है वो अपने को समझना है, कि आगे से आगे वालों से कैसे बात करनी है, उनको तैयार कीजिए कि देखिए आप अगर गुणात्मक ज्वाइनिंग करते हैं और इस तरीके से चलते हैं तो आप 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर रॉयल्टी पर भी प्राप्त पहुंच सकते हैं। और हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमारे सीनियर से लेकर हम इस विषय पे जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे साथियों को तैयार कर रहे हैं, आप भी चाहते हो तो आप भी हमारे साथ आ जाइए, तो कोई भी साथी तैयार होगा, ऐसे बात कर सकते हैं और किसी तरीके से कर सकते हैं। बातें तो करना हमें आता ही है बहुत सारे तरीके से, तो हर एक साथी को तैयार करना पड़ेगा कि वो गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए आगे से आगे वो भी नए साथी तैयार हो, आपके साथ लग के सीखने के लिए तैयार हो। कब होंगे, जब आप उनको उनका भविष्य बताओगे और उस भविष्य पे विश्वास दिलाओगे। बैठ के बताइए क्यों नहीं होगा, उनसे फिर बातचीत कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, उनको वीडियो दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, उनको तैयार कीजिए आगे से आगे। तो थोड़ा मेहनत तो थोड़ी जरूर ज्यादा लगती है इसमें, मेहनत लगती है, रवैया लगता है, प्रस्तुतिकरण लगता है इसमें, तो इसके लिए फिर हम साथ रहते हैं, टीम बना के काम करते हैं। किसी में वो बात समझाने की कला अच्छी होती है, किसी में क्या कला अच्छी होती है, पर जब जिस चीज से हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, जो आपके सारी कल्पनाओं से बाहर है, तो उस बड़े काम को करने के लिए हम उतनी बड़ी तैयारी क्यों नहीं करना चाहते। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, क्या इतना बढ़िया वीडियो आपको मिल गए, डॉक्टर किरण बेदी को भगवान ने जैसे भेजा आपके लिए,
पर उस चीज को सिखाना, फॉलोअप लेना, बार बार उस चीज पे काम करना, कहाँ क्या चीज है, ये सारे विषयों पे अच्छे से काम करने की जरूरत है। इससे ज्यादा ग्रोथ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। रामलाल भैया जो काम कर रहे हैं वो अति आवश्यक है, वो इसकी हेल्प के लिए है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वाल चाहिए, आपके अच्छे वितरण केंद्र चाहिए, आपके अच्छे होम मीटिंग चाहिए, ये सारी बातें इनमें सहायक है। डायमंड क्लब आप बढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंसी 5 को आपने 1500 से 2500 में कन्वर्ट कर दिया, अभी 1500 से 2500 में कन्वर्ट किया, 5000 इधर इधर बढ़ा, 5000 पता नहीं आपके पूरे नेटवर्क में जाने का कम हो जाएगा। ग्रोथ कैसे, ग्रोथ की क्या तैयारी आप? देखिए केवल मेरा विषय थोड़ी है, ये विषय तो हम सबका है ना, ये विषय किसका है, ये कोई मामूली बात है क्या? ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इससे बड़ी बात हमारे जीवन में नहीं, और ये देश के निर्माण के लिए बहुत अति आवश्यक योजना है, इसके लिए इतना वीडियो बनाया गया है, सब कुछ बनाया है। तो थोड़ा इस रहस्य में आप जाइए, प्रवेश कीजिए, बहुत एकदम, इसको एक इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्ड हो जाते हैं, एक परिपाटी में ऐसे ढल जाते हैं हम कि हम अपने उम्र को बुढ़ापा मान लेते हैं, बस उसी परिपाटी जितना। बस जब तक आप नया नहीं सोचोगे और नई चीजों के आविष्कार नहीं करोगे, तब तक आप यंग नहीं हो, आप बूढ़े हो, आपकी शारीरिक उम्र से मतलब ही नहीं। अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद, अभी इस काम को करने के लिए अतिरिक्त क्या चाहिए? आपको जरूरत है, आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, आपको जरूरत है, आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपको कर्मचारी रखिए, उसका चार्ट बनाना, फॉलोअप लेना, सारा एक सिस्टमेटिक खड़ा करना, तो आप ये चांद चांद चंद्रयान बनाने के बराबर है काम ही। इसका वेटेज जो है ना, इसका जो वेटेज है, इसका जो जो ग्रेविटी, जो इसका महत्व है, वो इस दुनिया के किसी बड़े काम से कम नहीं है। मुझे बता दीजिए, आज इससे लाखों लोगों का जीवन जिससे बन सकता है, नए भारत का निर्माण हो सकता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है क्या? तरीका मिला हुआ है, साधन मिले हुए हैं, स्रोत मिले हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, एजुकेशन आपके साथ हो रही है, आगे का काम तो आपको संभालना पड़ेगा। तो सभी साथी थोड़ा सा इसको सीरियसली ले हैं, जो भी अपने को क्षमतावान मानते हैं, जो भी अपने आप को सिपाही मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी के विषय की डायमंड क्लब नहीं कराना, वो नहीं कराना, ये नहीं कह रहा, पर जो एक बहुत बड़ी ग्रोथ का जो हमें कारण मिला है, उसको अच्छे से समझिए आप। गुणात्मक मतलब गुणात्मक, गुणात्मक की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो बोल दोगे, आपसे सवाल पूछेंगे तो बहुत सारी परिभाषाएं बोल दोगे फटाफट, परिभाषा बोल के छोड़नी थोड़ी है। गुणात्मक का मतलब है आगे से आगे, वो सिलसिला रुकेगा नहीं, कितनी डेप्थ पे आप चले जाओ। और क्यों रोकना है, क्यों रोकना है,